हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किसानों के समर्थन में आज पूरे प्रदेश में स्पीक अप फॉर फार्मर्स एक कैंपेन चलाया गया, जिसमें सभी को अपने अपने क्षेत्रों से किसानों की आवाज बनकर और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर इस अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया गया। इसी उपलक्ष्य में कांग्रेस नेत्री निर्मला चौहान ने भी आज किसानों के हक की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि सरकार जो किसानों के साथ रवैया अपना रही है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा सरकार ने जो 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और जो किसानों की गिरफ्तारी हुई है उनको भी तुरंत रिहा किया जाए। स्पीक अप फॉर फार्मर्स, किसानों की आवाज उठाने के लिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी हमारी माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशानुसार, राहुल जी के दिशा निर्देशन और हमारी शैलजा जी जो हमारी हरियाणा की अध्यक्ष हैं उनके दिशा निर्देशानुसार सभी लोग मिलकर आज सभी किसान मजदूर कांग्रेस जनों के साथ मिलकर आज किसानों की आवाज़ उठाने के लिए ये प्रोग्राम है, उनके हक में बोलने के लिए। बीजेपी सरकार की तानाशाही आप देखिए, एक तो चोरी और सीना चोरी, एक तो उनका अधिकार छीना है, ऊपर से उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं, सड़कें आप कैसे खोद के डाल दी, आपने देखा उन पे ठंड के मौसम में कैसे ठंडे पानी की बौछारें की गई और लाठी चार्ज भी कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और 3 काले कानून अंग्रेजों की तरह बिना सुने उन पर लाद दिए हैं। तो हमारे आज यही अभियान है कि ये 3 कानून काले कानून ये बीजेपी सरकार वापस ले, किसानों की बात सुने, जो जिन जिन की गिरफ्तारियां हुई हैं तुरंत प्रभाव से उनको रिहा किया जाए और किसानों से बातचीत कर कर ये काले कानून वापस ले। देश का किसान बहुत समझदार है, अगर कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है तो क्यों नहीं ये उसमें कानून बना देते कि MSP पे ही खरीदारी होगी। देखिए सबसे उन्नत किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के हैं, मैं खुद एक छोटे से किसान की बेटी हूँ, मुझे पता है कि जब किसान का खर्चा ही निकलता है धान की फसल में, ये तो 4 साल पहले तो नंगे होके 2100 रुपये का रेट मांगते थे, आज ये 1800 का MSP देकर धान 1100-1200 रुपये बन रही है। मैडम 1.5 महीने हो गए पेमेंट नहीं हुई है किसी की भी, तो बताइए कौन से ये 2 मुहे वो कर रहे हैं, इनके हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर है। अगर ये कांग्रेस वरगला रही है तो क्यों नहीं किसानों के हक में मांगे, उनकी अगर जायज है उसको MSP को देके क्यों नहीं इसको किसानों की बात सुनते। देखिए एक और इनकी बात, अब से पहले सबसे पहला किसान आंदोलन राजीव गांधी जी के समय में हुआ था, जब महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में लाखों की संख्या में 5 लाख किसान दिल्ली में आया था। उस टाइम क्या उन्होंने किसी ने उनको रोका था, किसी ने रास्ते रोके थे, बैरिकेड लगाए थे, तो इनके मन में काला चोर